हरदा की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में दिन पर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। एक नहर में बड़ी संख्या में सुतली बम बहाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो एक किसान ने बनाया है, जिसका दावा है कि कुछ लोग नगर परिषद के वाहन से हजारों की संख्या में सुतली बम लेकर आए और इन्हें नहर में बहा दिया। लेकिन इस मामले को तहसीलदार और नगर परिषद के सीएमओ ने अलग ही दावा किया है। चलिए आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। ये मामला हरदा जिले के गांव सिराली का है। वीडियो गुरुवार रात को बनाया गया। आमासेल के किसान अभिषेक उपाध्याय का कहना है कि सिराली और विक्रमपुर के बीच स्थित नहर पर नगर परिषद के वाहन में सुतली बम बड़ी संख्या में भरे थे, जिन्हें नहर में खाली किया जा रहा था। इसी दौरान उनका वहां से निकलना हुआ और उन्होंने रोक कर पूछताछ की तो अंधेरे का फायदा उठाकर वो लोग भाग निकले जो सुतली बम खाली कर रहे थे। अंधेरा होने के कारण यह समझ नहीं आया कि वहां पर जिस वाहन से सुतली बम लाए गए थे वे लोग कौन थे। हालांकि वाहन नगर परिषद की कचरा गाड़ी है और उस पे गाड़ी नंबर 5 लिखा हुआ है। बमों की संख्या 8 से 10 क्विंटल बताई जा रही है। किसान का दावा है कि जब उसने कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब ने हमें कहा है ऐसा करने को। किसान ने दावा किया है कि उन्होंने तहसीलदार को भी फोन किया और पूछा, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि हाँ, मैंने बम को नष्ट करने को कहा था लेकिन नहर में बहाने को नहीं कहा था। तहसीलदार वीरेंद्र कुमार उइके के बयान ने इस मामले को नया मोड़ दिया है। तहसीलदार का कहना है कि वीडियो गलत है। जिस अज्ञात व्यक्ति द्वारा पटाखे फेंके जा रहे थे उसके खिलाफ सिराली पुलिस थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि 1.30 क्विंटल विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। सिराली नगर पालिका परिषद के सीएमओ राहुल शर्मा ने बताया कि नगर परिषद का वाहन तहसीलदार द्वारा मंगाया गया था, इसलिए भेजा है, लेकिन सुतली बम या पटाखों का परिवहन नगर परिषद के वाहन से नहीं हुआ है। जब उनसे सवाल किया गया कि वीडियो में नगर परिषद का वाहन भी दिखाई दे रहा है तो उनका कहना था कि वाहन वहां से निकल रहा होगा, तभी किसी ने वीडियो बना लिया होगा। हरदा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने आरोपी राजेश अग्रवाल की दूसरी पटाखा फैक्ट्री से बड़ी संख्या में सुतली बम और बारूद बरामद किए थे। कहा जा रहा है कि ये वही बम है। ये देखिए, ये सिराली में हम लोग खड़े हुए हैं। नहर जो है, बड़ी नहर जो आई है, जो इधर से दीपगांव की ओर बह रही है, इस नहर में ये विस्फोटक सामग्री है। ये देखो, पूरे ये बम बारूद है। ये पूरा लाके ये गाड़ी में, गाड़ी नंबर है, इस पे लिखा है स्वच्छता अभियान, गाड़ी नंबर है जिस पे लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। ये लोग लेके आए थे और इन्होंने जो किसान पानी देते हैं, ये अपनी फसलों में पानी दे रहे हैं, उस जगह पे लाके, ये देखो नीचे तक बताना, नीचे तक, ये उस जगह पे लाके ये पूरा ये खाली किया इन्होंने, पूरी गाड़ी खाली करी, जिसमें से आधे बम तो नीचे नहर के पानी में बह गए हैं। अब हमारे किसान भाई सामने पानी दे रहे हैं, वहाँ आगे नहर में पानी दे रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने फेंक दिए लाके। और इनसे पूछा तो बोलते हैं कि तहसीलदार साहब ने हमसे कहा, मेरे द्वारा तहसीलदार साहब को भी फोन लगाया गया और उन्होंने भी ये कबूल किया है कि हाँ, मैंने भेजा जरूर है, पर मैंने उनको नहर में फेंकने का नहीं कहा। तो ये किसकी गलती है? अब इसमें ये सामने है, देखिए आप लोग, ऐसा कृत्य किया जा रहा है। या तो फिर शासन इसको ध्यान दे, या ये कहाँ से आया, कोई तहसीलदार का कर्तव्य नहीं है जो कि वो ऐसी विस्फोटक सामग्रियों को पानी में नहर सिंचाई करने वाले, जहाँ से किसान सिंचाई कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर फेंका जाए। और इनसे पूछने पर ये लोग भाग गए वहाँ तक, अभी दिखाई नहीं दे रहा, जवाब देने में असंतुष्ट है। मान के चलो आपकी 5-6 क्विंटल, 8 क्विंटल से ऊपर 10 क्विंटल होगा, पूरी गाड़ी भरी थी। नीचे दिखा, पानी में बह के गया है बम। हाँ, गए ना। ये देखिए, ये नहर के पानी में गिरना मत। ये नहर चल रही है और उसकी किनार पे ये बहा रहे थे ये। आपको क्या लगता है, क्या ये सुतली बम वही बम है? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।